झारखंड सरकार आपके घर डिजी साथ लेकर आई है, अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। नमस्ते दोस्तों, आप सबका झारखंड सरकार के डिजी साथ प्रोग्राम में स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। हम एपिसोड के शुरुआत में कक्षा 10वीं में देखेंगे साइंस की अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस अध्याय का हम तीसरा तथा चौथा भाग देखेंगे। इसी प्रकार से हम कक्षा 10वीं में SST में देखेंगे संसाधन और विकास। इस अध्याय का हम पहला भाग देखेंगे तथा इस पर आधारित कुछ रोचक प्रश्न भी देखेंगे। इसी प्रकार से कक्षा 12वीं की केमिस्ट्री में हम देखेंगे ठोस अवस्था। इस अध्याय का हम तीसरा भाग तथा उस पर आधारित कुछ रोचक प्रश्न भी देखेंगे। और इसी प्रकार से कक्षा 12वीं की बायोलॉजी में हम देखेंगे जीवों में जनन। इस अध्याय का हम दूसरा तथा तीसरा भाग देखेंगे और साथ ही इन पर आधारित कुछ रोचक प्रश्न भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम डिजी साथ, अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का तीसरा भाग करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम संतुलन की बात करेंगे कि एक रासायनिक समीकरण को किस तरीके से संतुलित किया जा सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। संतुलन के बारे में आपने पिछली वीडियो में भी जाना था। इस वीडियो में हम संतुलन के लिए एक और उदाहरण लेंगे ताकि संतुलन को और अच्छे से समझ सकें। तो चलिए उदाहरण लेते हैं लोहे के जल के साथ प्रतिक्रिया का। लोहा यानी कि फेरस जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो लोहे का ऑक्साइड बनाता है जिसका सूत्र होता है Fe3O4। इसके साथ साथ हमें हाइड्रोजन गैस भी मिलती है। तो चलिए हम इसी समीकरण को संतुलित करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हम तत्वों के रासायनिक सूत्रों को नहीं बदल सकते, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लेंगे। इससे फायदा क्या होगा कि हमें याद रहेगा कि इन बॉक्स के अंदर कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता, तो गलती होने की संभावना कम हो जाती है। चलिए इसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या की एक सूची बनाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं बाईं तरफ जो फेरस यानी कि लोहा है उसका एक अणु है, हाइड्रोजन के दो अणु हैं और ऑक्सीजन का एक अणु है। वहीं दाईं तरफ की बात करें तो फेरस के तीन अणु हैं, ऑक्सीजन के चार अणु हैं और हाइड्रोजन के दो अणु हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे कि सुविधा के लिए हम सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को सबसे पहले संतुलित करेंगे। तो इस समीकरण में सबसे ज्यादा अणु वाला यौगिक है कौन सा? अगर हम ध्यान दें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन के चार अणु हैं, जो इस पूरे समीकरण में सबसे ज्यादा हैं। तो हम सुविधा के लिए सबसे पहले ऑक्सीजन को ही संतुलित करेंगे। समीकरण में देखें तो यहाँ सारणी में हम देखेंगे कि बाईं तरफ ऑक्सीजन का एक अणु है, वहीं दाईं तरफ ऑक्सीजन के चार अणु हैं। तो बाईं तरफ वाले तत्व को अगर हम चार से गुना कर दें तो ऑक्सीजन दोनों तरफ संतुलित हो जाएगा। इसके लिए हम ऑक्सीजन को चार से गुना करेंगे। जब हम ऑक्सीजन को चार से गुना करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हाइड्रोजन भी है। ऑक्सीजन तो चार हो जाएगा परंतु हाइड्रोजन पहले से दो है, वो भी चार से गुना होगा और इससे जो हाइड्रोजन है वो दो की जगह आठ हो जाएगा। अब ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया, अब हमें संतुलित करना है
फेरस को और हाइड्रोजन को, क्योंकि ये अभी भी संतुलित नहीं हुए हैं। तो सबसे पहले चलिए हम फेरस को संतुलित कर लेते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि बाईं तरफ फेरस का एक अणु है और दाईं तरफ फेरस के तीन अणु हैं। तो अगर हम बाईं तरफ वाले फेरस को तीन से गुना कर दें तो वो संतुलित हो जाएगा। चलिए इसके लिए हम जो बाईं तरफ वाले समीकरण है उसमें फेरस को तीन से गुना करेंगे। इससे जो नई सारणी बनेगी वहां पर फेरस और ऑक्सीजन दोनों ही संतुलित हो चुके हैं। अब हमें संतुलित करना है हाइड्रोजन को। जैसा कि आप देखेंगे बाईं तरफ हाइड्रोजन के आठ अणु हैं और दाईं तरफ हाइड्रोजन के दो अणु हैं। तो दाईं तरफ वाले समीकरण को अगर हम चार से गुना करें तो दाईं तरफ भी हाइड्रोजन के आठ अणु हो जाएंगे। तो हम ऐसा ही करेंगे, हम दाईं तरफ वाले हाइड्रोजन को चार से गुना करेंगे। इससे क्या होगा कि दाईं तरफ अब हाइड्रोजन के भी आठ अणु हो जाएंगे। अब अगर आप सारणी को ध्यान से देखें तो सारणी की दोबारा से जांच करने पे हम पाएंगे कि दोनों ही तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा समीकरण है अब ये संतुलित हो चुका है। तो हमारा जो संतुलित समीकरण है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। 3Fe प्लस में 4H2O, इससे हमें मिलता है Fe3O4 जो कि लोहे का ऑक्साइड है, और 4H2O जो कि हाइड्रोजन गैस है। तो अब समीकरण तो संतुलित हो चुका है, परंतु अब बात आती है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे जो हमारा रासायनिक समीकरण है उसको और अधिक सूचनापूर्ण बनाया जा सके। क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे वो हमें और ज़्यादा सूचना प्रदान करे? एक तरीका तो ये है कि जो हमारा रासायनिक समीकरण है उसके अंदर हम अभिकारक तथा उत्पाद की भौतिक अवस्था को भी दर्शाएं। ये हम किस तरीके से कर सकते हैं? जैसे कि मान लीजिए कोई अभिकारक या फिर उत्पाद गैस की अवस्था में है, तो उसके लिए हम अंग्रेजी के अल्फाबेट जी का इस्तेमाल करेंगे। वहीं अगर कोई तत्व द्रव अवस्था में है तो उसके लिए हम एल का इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई तत्व जलीय अवस्था में है तो उसके लिए हम AQ का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर जलीय अवस्था का मतलब है कि जो भी तत्व है वो जल में घुला हुआ है। उसके अलावा अगर कोई तत्व ठोस अवस्था में है तो उसके लिए S का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए एक उदाहरण देख लेते हैं जिससे ये आसानी से समझ आ जाए। उसी समीकरण को लेते हैं जिसे हमने अभी संतुलित किया था। यहाँ पर हम जानते हैं कि जो लोहा है वो ठोस अवस्था में होता है, तो उसके नाम के साथ में हम ब्रैकेट के अंदर S लिखेंगे, जल के साथ हम G लिखेंगे, और लोहे का ऑक्साइड तो ठोस अवस्था में होता ही है तो उसके साथ भी S आएगा, और हाइड्रोजन गैस तो गैस अवस्था में होती ही है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जल के साथ हमने जी का इस्तेमाल किया है। इस जी चिन्ह का उपयोग इसलिए किया गया है क्योंकि ये दर्शाता है कि जो अभिक्रिया है उसमें जल का उपयोग भाप के रूप में किया गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से भौतिक अवस्था दर्शाने से जो हमारा समीकरण है वो और ज़्यादा सूचनापूर्ण बन जाता है। इसके अलावा कभी कभी जो अभिक्रिया होती है उसमें परिस्थितियाँ होती हैं, जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि। हम क्या करते हैं, हम इन्हें तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाते हैं। जैसे कि उदाहरण लेते हैं, जब कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि एक गैस है अभिक्रिया करती है हाइड्रोजन गैस के साथ तो एक यौगिक बनाती है CH3OH का। अब इस अभिक्रिया को होने के लिए 340 ATM का दाब चाहिए होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि समीकरण में इस बात को दर्शाएं तो हम क्या करेंगे कि जो तीर का निशान है हम उसके ऊपर या नीचे इस चीज को लिख देंगे। इससे क्या होगा कि जब भी कोई समीकरण को देखेगा तो उसे पता चल जाएगा कि इस अभिक्रिया के लिए 340 ATM का दाब चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया पांच प्रकार की होती हैं। ये हैं संयोजन, वियोजन जिसे हम अपघटन भी कहते हैं, विस्थापन, द्विस्थापन और उपचयन एवं अपचयन।
इनके बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी जान लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। हमने सबसे पहले संतुलन का एक उदाहरण लिया और उसके बाद हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में जाना। चलिए जान लेते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। अगली वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को और अच्छे से जानेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का चौथा भाग करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने जाना था, रासायनिक अभिक्रिया के 5 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है संयोजन, दूसरा होता है वियोजन यानी कि अपघटन, तीसरा होता है विस्थापन, चौथा विस्थापन और पांचवा होता है अपचयन एवं उपचयन। चलिए शुरुआत करते हैं संयोजन अभिक्रिया को जानते हुए। जब दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण आप देख सकते हैं कि दो या दो से अधिक अभिकारक जब मिलते हैं और उससे सिर्फ एक उत्पाद बनता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया। चलिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं संयोजन अभिक्रिया के। सबसे पहला उदाहरण है कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है और बुझे हुए चूने में परिवर्तित हो जाता है, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभिकारक दो हैं, पहला है कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा है जल। दोनों से मिलके सिर्फ एक उत्पाद बना है जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। पहला है जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो उससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। एक और उदाहरण देख लेते हैं, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करते हैं तो इनसे हमें जल मिलता है। अब इन दोनों अभिक्रिया की बात करें तो दोनों ही अभिक्रिया में ऊष्मा मिलती है और ये ऊष्मा बहुत ज़्यादा होती है। सिर्फ इन दोनों में ही नहीं, लगभग जितनी भी संयोजन अभिक्रिया होती है उन सभी में ऊष्मा मिलती है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी मिलती है उन्हें कहा जाता है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं। चलिए ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। इसका पहला उदाहरण है प्राकृतिक गैस का दहन। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक दहन का उदाहरण है, तो जाहिर सी बात है कि ऊष्मा तो इसमें मिलेगी ही। प्राकृतिक गैस यानी कि मीथेन का सूत्र होता है CH4। जब ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो इससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, साथ में वाटर मिलता है और बहुत सारी ऊष्मा मिलती है। इसके अलावा अगर हम श्वसन की बात करें, जिसे इंग्लिश में रेस्पिरेशन कहते हैं, तो ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। जैसा कि आप देख सकते हैं ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो इससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और ATP मिलता है, ऊष्मा मिलती है। चलिए अब बात करते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के बारे में। ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं का बिल्कुल विपरीत होती हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है अभिक्रिया के होने के लिए। ये ऊष्मीय ऊर्जा का शोषण करती हैं। चलिए अब बात करते हैं वियोजन की।
जिसे हम अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। ये विपरीत होता है संयोजन अभिक्रिया के। वियोजन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें तत्व या यौगिक टूटकर छोटे कणों के रूप में बदल जाते हैं। यह क्रिया प्रायः उत्क्रमणीय होती है। जैसा कि हमने जाना कि इसमें एक ही अभिकारक होता है जो टूटकर एक से अधिक उत्पाद में बदल जाता है। चलिए इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ही अभिकारक है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे जब हमने ऊष्मा प्रदान की तो वो टूट गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रियाओं को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। इसके उदाहरण देख लेते हैं। लेड नाइट्रेट को जब ऊष्मा प्रदान की तो वो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। ये एक ऊष्मीय वियोजन का उदाहरण है। चलिए अब बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया की। अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कि एक तत्व था ए और एक यौगिक था बी सी। अब अभिक्रिया के बाद क्या होगा कि जो तत्व ए है वो बी सी में से बी को उसके यौगिक से अलग कर देगा और खुद सी के साथ अपना यौगिक बना लेगा। अब यहाँ पर ए बी को उसके यौगिक से अलग कर सकता है या नहीं कर सकता, ये इस बात पे निर्भर करता है कि ए की अभिक्रियाशीलता कितनी है। एक विस्थापन अभिक्रिया में केवल अधिक अभिक्रियाशीलता वाले तत्व ही कम अभिक्रियाशीलता वाले तत्वों को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। आपको नौवीं कक्षा का रिएक्टिविटी सीरीज तो याद ही होगा, यहाँ पर इसी रिएक्टिविटी सीरीज का इस्तेमाल किया जाता है पता लगाने के लिए कि विस्थापन अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। चलिए विस्थापन का एक उदाहरण देख लेते हैं। जिंक कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है, ये तो आप जानते ही हैं। तो जब जिंक कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो कॉपर को सल्फेट से अलग कर देता है और खुद जिंक सल्फेट बनाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिंक ने कॉपर को सल्फेट से अलग कर दिया है। चलिए अब बात करते हैं द्विस्थापन अभिक्रिया की। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला यौगिक है ए बी और दूसरा यौगिक है सी डी। अभिक्रिया के बाद जो दो नए यौगिक बने वो हैं सी बी और ए डी। ये द्विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए अब बात करते हैं उपचयन की। अभिक्रिया के समय जब पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहा जाता है कि उसका उपचयन हुआ है। इलेक्ट्रॉन की हानि भी उपचयन कहलाती है। चलिए उपचयन का एक उदाहरण देख लेते हैं। कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत का चढ़ जाना उपचयन का एक उदाहरण है। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो कॉपर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। चलिए अब अपचयन की बात करते हैं। ये उपचयन का उल्टा होता है। जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो कहा जाता है कि उसका अपचयन हुआ है और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि भी कहलाती है कि अपचयन हुआ है। चलिए अपचयन का एक उदाहरण देख लेते हैं। जब गर्म कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो वो काले रंग के कॉपर से भूरे रंग के कॉपर में परिवर्तित हो जाता है। ये अपचयन का एक उदाहरण है। तो चलिए जानते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में जाना। चलिए देखते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।
हेलो दोस्तों, आज हम आपकी कक्षा 10 के अर्थशास्त्र के पाठ 1 विकास का भाग 1 पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या-क्या पढ़ेंगे, क्या-क्या सीखेंगे। आज हम विकास के बारे में जानेंगे कि विकास होता क्या है, उसका मतलब क्या होता है, और हम आय और अन्य लक्ष्यों के बारे में भी जानेंगे कि एक राज्य तथा देश की जनता के क्या लक्ष्य होते हैं और राष्ट्र विकास क्या होता है, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जो हमारा पहला विषय है वो है विकास। क्या आप बता सकते हैं क्या कि विकास होता क्या है? विकास का अर्थ है डेवलपमेंट, मतलब संसाधनों की उपलब्धता एवं कुशलता में वृद्धि के द्वारा प्राप्त बढ़ता हुआ उत्पादन। दोस्तों, जब संसाधनों की उपलब्धता होती है, मतलब जब रिसोर्सेस सही मात्रा में अवेलेबल होते हैं तथा कुशलता में वृद्धि आए, मतलब एफिशिएंसी इंक्रीज हो, तो उससे एक राज्य तथा एक देश की उत्पादन में बढ़ाव देखा जा सकता है। विकास दर बढ़ने से एक देश की आर्थिक स्थिति भी सुधर जाती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि विभिन्न लोगों के विभिन्न प्रकार के लक्ष्य होते हैं, हर व्यक्ति के लिए विकास का उनका एक अलग मतलब होता है। अलग-अलग व्यक्ति के लिए विकास के लक्ष्य भी अलग होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि अगर एक व्यक्ति के लिए जो विकास है वह दूसरे व्यक्ति के लिए भी विकास हो। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं कि अलग-अलग व्यक्तियों के विकास के लक्ष्य भी अलग हैं। जैसे भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिए अधिक मजदूरी तथा अधिक दिन का काम ही उसके लिए विकास के लक्ष्य हैं। समृद्ध किसान के लिए अधिक आय ही उसके विकास का लक्ष्य है। इसी तरह शहरी बेरोजगार युवा के लिए रोजगार ही उसके विकास का लक्ष्य है। आदिवासियों के लिए शिक्षा, बढ़ती सामाजिक आर्थिक स्थिति, समानता, यही सब विकास के लक्ष्य होते हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ तथा अपने आसपास के लोगों को देखकर ही अपने विकास के लक्ष्य को निर्धारित करता है। अगला विषय है आय। आय यानी कि इनकम। इसके बारे में आप सभी ने तो जरूर सुना होगा। आय धन है जो किसी व्यक्ति या व्यवसाय को एक सेवा प्रदान करने से या पूंजी निवेश के माध्यम से प्राप्त होती है। आज के समय में एक व्यक्ति केवल आय से ही अपनी जीवन शैली नहीं चला सकता, उसको इसके साथ साथ आय सुरक्षा और बराबरी का व्यवहार भी मिलना जरूरी है। इन सभी के साथ एक व्यक्ति अपनी जीवन शैली को चला सकता है। लोगों का ये मानना है कि खाली पैसा कमाने से अपना जीवन नहीं जिया जा सकता। पैसे के साथ साथ एक व्यक्ति के पास इज्जत होना भी बहुत जरूरी है। ऐसा भी होता है कि जब कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो लोगों को कम आय देती हैं, लेकिन वह लोगों को
रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मतलब नियमित रोजगार देके उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे एक व्यक्ति के मन में सुरक्षा तथा संतुष्टि बनी रहती है। दोस्तों, अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है वो सभी व्यक्तियों से जुड़ा हुआ विकास है। अगला विषय है राष्ट्रीय विकास। राष्ट्र विकास से तात्पर्य है किसी राष्ट्र की अपने नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करने की क्षमता। जिस देश में राष्ट्र विकास अधिक होता है उस देश में वृद्धि भी अधिक होती है। राष्ट्र के लोगों का जीवन स्तर प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद तथा साक्षरता स्तर आदि जैसे तत्वों पर आधारित रहता है। जीवन स्तर में वृद्धि इन्हीं सभी फैक्टर्स के द्वारा आती है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या होता है। प्रति व्यक्ति आय किसी निश्चित क्षेत्र तथा देश में रहने वाले कुल जनसंख्या में प्रत्येक व्यक्ति की प्रत्येक वर्ष की औसत आमदनी होती है। औसत आमदनी का अर्थ है मीन इनकम, जो एक व्यक्ति कमाता है, तथा सकल घरेलू आय का अर्थ है वे सभी चीजें मतलब वस्तुएं और सेवाएं जो देश के अंदर डोमेस्टिकली उत्पादित की जाती हैं, उनका आर्थिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। साक्षरता दर का अर्थ है जनसंख्या का कुल प्रतिशत जो पढ़ और लिख सकता है। दोस्तों, हम विभिन्न देशों तथा राज्यों की तुलना प्रति व्यक्ति आय के द्वारा कर सकते हैं। मतलब जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी उस देश में विकास अधिक होगा। इसी तरह जिस देश में प्रति व्यक्ति आय कम होगी उस देश में विकास कम होगा। तो दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? आज हमने विकास के बारे में जाना कि डेवलपमेंट होता क्या है, और हमने आय मतलब इनकम के बारे में भी पढ़ा कि लोगों के अन्य लक्ष्य क्या होते हैं तथा राष्ट्रीय विकास का मतलब क्या होता है, इसके बारे में भी हमने इस वीडियो में जाना। अब आप सब भी अपनी अर्थशास्त्र की NCERT की बुक आर्थिक विकास की समझ से इस टॉपिक को दोबारा जरूर पढ़ें और समझे भी। अगले वीडियो में हम आय और अन्य मापदंड के बारे में जानेंगे तथा सार्वजनिक सुविधाएं क्या होता है इसके बारे में भी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। Thank you.
नमस्कार दोस्तों, आज हम ठोस अवस्था का तीसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देख लेते हैं कि हम आज किस किस विषय पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम संकुलन क्षमता के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम ठोसों में अपूर्णताएं पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं संकुलन क्षमता से। कोई भी एक एकक कोष्ठिका में परमाणु लगे होते हैं। हमने तीन तरह की एकक कोष्ठिका के बारे में बात करी, तो उन एकक कोष्ठिकाओं में कुछ परमाणु लगे हुए थे। हर किसी का अलग अलग संख्या थी परमाणुओं की। जैसे आपके सामने जो चित्र है, उस चित्र में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कुछ जगह परमाणु लगे हुए हैं, कुछ जगह अंदर घनीय के परमाणुओं से घिरी हुई है और कुछ जगह जो है खाली है। तो संकुलन क्षमता परमाणुओं के कब्जे वाले कुल स्थान का प्रतिशत होता है। जैसे आप सामने देख सकते हैं एक एकक कोष्ठिका है, उस एकक कोष्ठिका में कुछ परमाणु लगे हुए हैं, तो उस एकक कोष्ठिका के अंदर का जो क्षेत्र है उसमें आप देख पा रहे होंगे कि कुछ स्थान परमाणुओं से घिरा हुआ है और कुछ स्थान खाली है। तो संकुलन क्षमता परमाणुओं के कब्जे वाले कुल स्थान का प्रतिशत होता है। अब बात करते हैं एकक कोष्ठिकाओं में संकुलन क्षमता के बारे में। जो सरल एकक कोष्ठिका होती है उसकी संकुलन क्षमता 52.36% होती है। अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता 68% होती है। वहीं फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता 74% होती है। ये सारी संकुलन क्षमताएं मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि आप याद कर लें, ये हो सकता है कि आपके जो इम्तिहान होंगे उसमें पूछी जाए। अब बात करते हैं ठोसों में अपूर्णताएं। देखिए, इस संसार में कोई भी चीज पूर्ण नहीं है, कोई भी चीज पूरी तरह से सही नहीं है। हर चीज में कोई ना कोई कमियां हैं, कोई ना कोई खामियां हैं। ऐसे ही ठोसों में भी कुछ कमियां होती हैं जिन्हें हम अपूर्णताएं कहते हैं। तो जो ठोसों में अपूर्णताएं होती हैं वो दो तरह की होती हैं। पहला जो प्रकार है वो है बिंदु दोष, और दूसरा जो प्रकार है वो है रेखीय दोष। बिंदु दोष हमेशा बिंदुओं में मौजूद होता है, वो किसी भी एक बिंदु में मौजूद हो सकता है, जहां की रेखीय दोष हमेशा एक पूरी रेखा में मौजूद होता है। तो ये दो तरह के दोष हैं। हम बात करते हैं बिंदु दोष के प्रकारों के बारे में। तो बिंदु दोष के कुछ प्रकार होते हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले होते हैं स्टोचियोमेट्रिक दोष, दूसरा होता है अशुद्धता दोष, फिर उसके बाद आता है नॉन स्टोचियोमेट्रिक दोष। अब बात करते हैं स्टोचियोमेट्रिक दोष की। स्टोचियोमेट्रिक दोष कई प्रकार के होते हैं। जो पहला प्रकार है वो है रिक्तिका दोष, दूसरा प्रकार जो है वो होता है अंतराकाशी दोष, तीसरा फ्रेंकल दोष, और चौथा शॉटकी दोष। शुरू करते हैं रिक्तिका और अंतरकाशी दोष से। अभी जो आपके सामने चित्र आया है इसमें आप देख सकते हैं कि जो भी हमारा ये एक ढांचा है किसी एक ठोस का, इसमें से एक परमाणु गायब है, इसे कहते हैं हम रिक्तिका दोष। जैसा कि आपको नाम ही बता रहा है कि रिक्तिका दोष में कुछ रिक्ति छूट जाती है, कुछ रिक्ति रह जाती है, तो इसीलिए उसका नाम रिक्तिका दोष कहा जाता है। उसके बाद अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष में होता क्या है कि बाहर से कोई परमाणु आके या अंदर का ही एक परमाणु किसी दो परमाणुओं के बीच जो छोटी सी रिक्ति रह जाती है उसके बीच में घुस जाता है, उसे कहते हैं अंतराकाशी दोष। तो ये रिक्तिका और अंतराकाशी दोष है। अब बात करते हैं फ्रेंकल दोष की। फ्रेंकल दोष जो है वो आयनिक ठोसों में मौजूद होता है। फ्रेंकल दोष में होता क्या है, एक ठोस के अंदर का ही एक परमाणु अपनी जगह छोड़ देता है और वो दो परमाणुओं के बीच में जो छोटी सी एक रिक्ति छूट जाती है उसके बीच में जाके घुस जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि फ्रेंकल दोष में रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष
दोनों ही दिख रहे हैं। इससे एक और बात देखी जा सकती है कि यह दोष ठोस के घनत्व को नहीं बदलता, क्योंकि अंदर से ही एक परमाणु एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, बाहर से ना कोई परमाणु आ रहा है ना अंदर से कोई परमाणु बाहर जा रहा है, तो यह ठोस के घनत्व को नहीं बदलता। यह दोष उन ठोस पदार्थों द्वारा दिखाया जाता है जिनमें आयनों के आकार के बीच बड़ा अंतर होता है। यह एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब बात करते हैं शॉटकी दोष की। शॉटकी दोष क्या होता है? सबसे पहली चीज, यह आयनिक ठोस द्वारा दिखाया जाता है। शॉटकी दोष में होता क्या है, समान संख्या में धनायन और ऋणायन गायब हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि रिक्ति पैदा होती है और दोष उत्पन्न होता है। इस दोष में एक ठोस का घनत्व घटता है। आप देख सकते हैं जैसे कि धनायन और ऋणायन गायब हो रहे हैं, तो उससे क्या होता है, जो हमारा ठोस होता है उसका घनत्व कम हो जाता है, तो यह शॉटकी दोष है। अब बात करते हैं अशुद्धता दोष के बारे में। तो अशुद्धता दोष क्या होता है, जैसा कि आपको नाम बता रहा है, इसमें कुछ अशुद्धता आ जाती है हमारे ठोस में। जो अशुद्धता दोष होता है यह ठोस की विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है, इसमें विद्युत उदासीनता नहीं बदलती है। अब ये कैसे पैदा होता है, जैसे कि आप अपने सामने देख रहे हैं NaCl क्रिस्टल का चित्र। अब इसमें क्या हुआ, दो जगह से Na+ अपने स्थान को छोड़ के हट गया। अब जब दो NaCl हट गए तो जो हमारा ठोस है उसमें 2+ चार्ज आ गया। अब 2+ आने के कारण क्या हुआ, जो Sr2+ है उसने एक स्थान में कब्जा कर लिया। अब Sr2+ जैसे ही हमारे ठोस में घुसा तो उससे क्या हुआ, जो हमारा ठोस है उसमें जो चार्ज था वो चार्ज हट गया, तो इस कारण जो है अशुद्धता दोष पैदा होता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जो है हमारा Na+ वो गायब है। यहाँ पर अशुद्धता दोष के कारण जो ठोस है उसका घनत्व कम हुआ। क्यों कम हुआ, क्योंकि जो हमारा Na+ है वो अब हमारे ठोस में मौजूद नहीं है। तो यह था अशुद्धता दोष। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं, आइए देखते हैं हमने इस वीडियो में क्या सीखा। सबसे पहले हमने संकुलन क्षमता के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने ठोसों में अपूर्णताएं पढ़ी। मैं आप लोगों को ये सुझाव देना चाहता हूँ कि आप रसायन विज्ञान की NCERT भाग 1 से ये सब चीज़ें दोबारा से पढ़ लीजिए, और अगली कक्षा में दोबारा से चीज़ें पढ़ के आइएगा, तभी आपको जो है चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। साथ ही मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि आप इन सब विषयों पर कुछ सवाल भी कर लीजिएगा। अगली वीडियो में हम विद्युतीय गुणों के बारे में पढ़ेंगे और चुंबकीय गुणों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, आज भी हम अध्याय मानव जनन को जारी रखेंगे। पिछली वीडियो में हमने पुरुष जनन तंत्र और स्त्री जनन तंत्र को पढ़ा था। इस वीडियो में हम युग्मक जनन और युग्मकों की संरचना को समझेंगे। तो चलिए युग्मक जनन से शुरू करते हैं। युग्मक जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा द्विगुणित या अगुणित अग्रदूत कोशिकाएं कोशिका विभाजन से गुजरती हैं और परिपक्व अगुणित युग्मकों का निर्माण करती हैं। अब दोस्तों, जैसा कि हम मानव जनन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मानवों में नर युग्मक शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्र जनन कहते हैं और मादा युग्मक
अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को अंडजनन कहते हैं। तो ये चीज आप सभी को याद रखनी है। और अब हम इन दोनों प्रक्रियाओं को एक एक करके समझेंगे। चलिए शुक्र जनन से शुरू करते हैं। अब दोस्तों यौवनारंभ के समय GnRH यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन उत्पन्न होने लगता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड पर काम करता है, जिससे कि पिट्यूटरी ग्लैंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH को उत्पन्न करने लगते हैं। अब ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH लीडी कोशिकाओं पर कार्य करता है, जिससे कि नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न होने लगता है। और दोस्तों FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सर्टोली कोशिकाओं पर कार्य करता है, जिससे कि ABP यानी कि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन उत्पन्न होता है। अब इस ABP से जो टेस्टोस्टेरोन है वो बाइंड कर लेता है, जिससे कि शुक्र जनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब दोस्तों टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से जो स्टेम कोशिकाएं होती हैं वो दो तरह के स्पर्मेटोगोनिया सेल्स में डिवाइड हो जाती है, यानी कि विभाजित हो जाती है, टाइप ए कोशिका और टाइप बी कोशिका। जो टाइप ए कोशिका होती है वो बेसल लैमिना पर ही रुकी रहती है, जो कि लगातार विभाजित होती है, जिससे कि शुक्र जनन की प्रक्रिया कभी रुकती नहीं है। जो टाइप बी कोशिका होगी वो बीच में जाने लगती है ल्यूमन की तरफ और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट यानी कि प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में बदल जाती है। इसमें फिर मियोसिस वन होता है, जिससे कि दो अगुणित कोशिकाएं बनती हैं, जिन्हें हम द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं यानी कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। और बाद में मियोसिस टू के बाद ये चार अगुणित कोशिकाएं बनाता है, जिसमें कि स्पर्मियोजेनेसिस की प्रक्रिया से पूंछ आ जाती है और ये पूरी तरह से शुक्राणु में बदल जाते हैं। अब इन सब प्रक्रियाओं के बाद वीर्य सेचन नाम की प्रक्रिया होती है। तो आइए अब इसको समझते हैं। शुक्राणु जनन के पश्चात शुक्राणु शीर्ष सर्टोली कोशिकाओं में अंतः स्थापित हो जाते हैं और अंत में जिस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु शुक्र जनक नलिकाओं से मोचित होते हैं उस प्रक्रिया को वीर्य सेचन यानी कि स्पर्मिएशन कहते हैं। अब दोस्तों संभोग के दौरान जो नर होता है वो वीर्य को उत्पन्न करता है। वीर्य में सेमिनल प्लाज्मा और शुक्राणु होते हैं, ये चीज आप सभी को याद रखनी है। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और शुक्राणु की संरचना को समझते हैं। तो जैसे कि आप ये चित्र देख सकते हैं, यह एक शुक्राणु का है। शुक्राणु के चार अहम हिस्से होते हैं, पहला शीर्ष, दूसरा ग्रीवा, तीसरा मध्य खंड और एक पूंछ। अब दोस्तों शुक्राणु का पूरा शरीर प्लाज्मा झिल्ली से ढका होता है। यहाँ पर अग्रपिंडक होता है, जिसमें कि कई सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि अंडाणु के निषेचन में मदद करते हैं। और यहाँ पर केंद्रक युक्त गुणसूत्री पदार्थ होते हैं और मध्य खंड में कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जो कि पूंछ को गति प्रदान के लिए ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अंडजनन की प्रक्रिया को समझते हैं। अब दोस्तों अगर मैं आपको सरल तरीके से समझाऊं तो अंडजनन की शुरुआत भ्रूणीय परिवर्धन के चरण के दौरान ही हो जाती है, जब कई मिलियन मात्र युग्मक कोशिकाएं यानी कि अंडजननी प्रत्येक भ्रूणीय अंडाशय के अंदर विनिर्मित होती है। ये अंडजननी प्राथमिक अंडक में बदल जाती है, जिसमें कि मियोसिस वन होता है। मियोसिस वन के बाद ये द्वितीयक अंडक और प्रथम ध्रुवीय पिंड बनाती है। यहाँ पर प्रथम ध्रुवीय पिंड का विघटन हो जाता है। बाद में मियोसिस टू होता है, जिससे कि अंडाणु और द्वितीय ध्रुवीय पिंड बनता है। यहाँ पर भी द्वितीय ध्रुवीय पिंड का विघटन हो जाता है और अंडाणु केवल बचता है।
आइए दोस्तों अब समझते हैं कि अंड जनन में और कौन कौन सी चीजें होती हैं। अब दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यह एक ओवरी है और यहाँ पर ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं जिसमें कि यहाँ पर प्राथमिक अंडक होता है और जिसके चारों ओर फॉलिकल कोशिकाएं होती हैं। अब इसमें भी यौवनारंभ के समय हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यानी कि GnRH उत्पन्न होता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड पर काम करता है जिससे कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन उत्पन्न होने लगते हैं। अब दोस्तों ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल्स के विकास में मदद करता है और एक मोमेंट बाद ये फॉलिकल्स एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन उत्पन्न करने लगते हैं। ये एस्ट्रोजन हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को संकेत देता है जिससे कि और ज्यादा अमाउंट में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन उत्पन्न होने लगते हैं जिससे कि अंत में जो फॉलिकल्स हैं वो मैच्योर हो जाते हैं और मैच्योर ओसाइट बना देते हैं। अब ये मैच्योर ओसाइट यानी कि परिपक्व ओसाइट अंडोत्सर्ग के लिए एकदम तैयार है। ये अंडाशय की वॉल पर जाता है और वहां से अंडोत्सर्ग के प्रोसेस से ओव्यूलेट हो जाता है और अंडाणु को बाहर निकाल देता है और जो बचा हुआ हिस्सा है वो कॉर्पस लूटियम में बदल जाता है। ये कॉर्पस लूटियम कुछ चीजें उत्पन्न करता है जैसे कि प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन और कुछ इनहिबिन जिससे कि FSH एंड LH का उत्पादन रुक जाता है। यहां पर प्रोजेस्ट्रॉन कुछ और काम भी करता है जैसे कि गर्भाशय की एंडोमेट्रियल लेयर को ये फिर से बनाता है जिससे कि अगर अंडाणु निषेचित होता है तो वो उसका अंतरोपण कर पाए। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अंडाणु की संरचना को समझते हैं। जरा यहाँ पर देखिए अंडाणु कुछ ऐसा दिखता है और यहाँ पर कोरोना रेडिएटा की कोशिकाएं होती हैं, यहाँ पर जोना पेल्यूसिडा होता है और यहाँ पे परिपीतक अवकाश होता है। आइए अब इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा एक ग्लाइकोप्रोटीन परत है जो मैमेलियन ओसाइट्स के प्लाज्मा झिल्ली के आसपास होती है। यह संरचना शुक्राणुओं के संपर्क में आती है और एक्रोसोम प्रतिक्रिया शुरू करने के लिए आवश्यक है। कोरोना रेडिएटा यह फॉलिकुलर कोशिकाओं द्वारा बनता है। कई जानवरों में इसका मुख्य उद्देश्य कोशिका को महत्वपूर्ण प्रोटीन प्रदान करना है। और आखिरी है परिपीतक अवकाश। यह जोना पेल्यूसिडा और निषेचित अंडाणु या ओसाइट्स की कोशिका झिल्ली के बीच का स्थान है। इस वीडियो में हमने शुक्र जनन और अंड जनन के बारे में पढ़ा और साथ ही में हमने इन प्रक्रियाओं से बनने वाले युग्मकों की संरचना को भी समझा। और दोस्तों मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ कि आज हमने आपकी NCERT किताब का ये टॉपिक खत्म कर लिया है। आप इसको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम आर्तव चक्र और अंडोत्सर्ग को समझेंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज भी हम अध्याय मानव जनन को जारी रखेंगे। पिछली वीडियो में हमने युग्मक जनन और युग्मकों की संरचना के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम
आर्तव चक्र और अंडोत्सर्ग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, आर्तव चक्र मादा प्राइमेटो यानी कि बंदर, मनुष्य आदि में होने वाला जनन चक्र है। स्त्रियों में यह आर्तव चक्र प्रायः 28 या 29 दिनों की अवधि के बाद दोहराया जाता है। आइए जान लेते हैं कि यह होता क्या है। आर्तव चक्र नियमित प्राकृतिक परिवर्तन है जो महिला प्रजनन प्रणाली विशेष रूप से गर्भाशय और अंडाशय में होता है, जो गर्भ अवस्था को संभव बनाता है। यह ओसाइट के उत्पादन के लिए, गर्भावस्था के लिए तथा गर्भाशय की तैयारी के लिए आवश्यक है। एक ऋतुस्राव या रजोधर्म से अगले ऋतुस्राव या रजोधर्म तक के घटना को आर्तव चक्र कहते हैं और ये ऐसे ही चलती रहती है। आइए दोस्तों, अब आर्तव चक्र के चरणों को समझ लेते हैं। इसमें जो सबसे पहला चरण है वो है ऋतुस्राव या रजोधर्म, दूसरा है पुटकीय प्रावस्था और तीसरा है श्रावी प्रावस्था। अब दोस्तों, ऋतुस्राव यानी कि रजोधर्म में रक्त स्राव होता है, जो कि गर्भाशय की अंतःस्थ परत और उसकी रक्त वाहिनियों के नष्ट होने के कारण होता है। पुटकीय प्रावस्था में परिपक्व फॉलिकल का विकास होता है। और दोस्तों, श्रावी प्रावस्था में अंडोत्सर्ग के बाद की सारी घटनाएं होती हैं, जिसमें कि पित्तपिंड का बनना भी शामिल है। आइए सबसे पहले अंडोत्सर्ग को समझते हैं। यह आर्तव चक्र की एक घटना है जिसमें कि अंडाशय से अंडाणु निकलता है। अंडाशय के अंदर कई सारे फॉलिकल्स होते हैं जिसमें कि इमेच्योर अंडाणु होते हैं। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्तव चक्र 28 दिन तक चलती है, पहले 7 दिन में एक साथ कई सारे फॉलिकल्स विकास करने लगते हैं। ये फॉलिकल्स एस्ट्रोजन हार्मोन उत्पन्न करते हैं। 7वें दिन एक प्रमुख फॉलिकल पूरी तरह से विकसित कर पाता है। ये फॉलिकल अंडाणु को भी विकास करने में मदद करेगा जो कि इसके अंदर होता है। बारहवें दिन ये फॉलिकल्स बहुत ज्यादा मात्रा में एस्ट्रोजन रक्त धारा में उत्पन्न करने लगते हैं। इस एस्ट्रोजन की वजह से हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को ट्रिगर करता है, जिससे कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होने लगता है। इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से जो फॉलिकल्स हैं वो अंडाशय से वृद्धि करने लगते हैं और बाद में ये फॉलिकल से जो अंडाणु है वो डिटैच हो जाता है। ये कुछ रसायन भी उत्पन्न करता है जिसकी वजह से अंडवाहिनी इसके आसपास आ जाती है और इसको घेर लेती है। और अंत में जो अंडाणु है वो बाहर की तरफ आ जाता है, जिससे कि अंडोत्सर्ग का प्रक्रिया पूरी तरह से हो जाती है। ये अंडाणु गर्भाशय की ओर जाने लगता है। यह इस समय निषेचित हो सकता है। अगर निषेचन नहीं होता है तो यह रजोधर्म के कारण गर्भाशय परतों के साथ साथ योनि से बाहर आ जाएगा। अब दोस्तों, आर्तव चक्र में कुछ घटनाएं होती हैं, तो अब हम उनको समझेंगे। सबसे पहली घटना है गर्भाशय घटनाएं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आप सभी को बताया कि आर्तव चक्र में कुछ चरण होते हैं, जैसे कि ऋतुस्राव, पुटकीय प्रावस्था और श्रावी प्रावस्था। यहां पर मैंने दिनों को दिखाया हुआ है जो कि आर्तव चक्र में होते हैं। अब ये वाली लाइन रजोदर्शन यानी कि मासिक धर्म को दिखा रही है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर गर्भाशय की अतः स्तर और रक्त वाहिनियां नष्ट हो रही है, जिसके कारण एक तरल पदार्थ योनि से बाहर आता है। और ये वाली लाइन
गर्भाशय घटना को दिखा रही है। अगर दोस्तों आप गर्भाशय घटना वाली रेखा को देखें तो ऋतुस्राव वाले चरण में ये नीचे की ओर जा रहा है, जिसका सीधा साधा मतलब है कि यहाँ पर गर्भाशय अंतःस्थर और रक्तवाहिनियां नष्ट हो रही हैं, जिसकी वजह से ऋतुस्राव होता है। और फिर बाद में ये ऊपर की तरफ जा रही है, जिसका मतलब है कि गर्भाशय अपने आप को तैयार कर रहा है निषेचित अंड के लिए। और दोस्तों अगर निषेचन नहीं होता है तो अगले चक्र का आरंभ हो जाएगा। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और पिट्यूटरी हार्मोन स्तर को समझते हैं। ये वाली रेखा LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को दर्शा रही है और ये वाली रेखा FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को दर्शा रही है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि पुटकीय प्रावस्था में ये दोनों हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH हार्मोन पीक पर होंगे, जो कि फॉलिकल्स के विकास में मदद करेगा। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अंडाशय घटनाओं को समझते हैं। अब दोस्तों एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा पुटकीय प्रावस्था में ज्यादा होगी, जिससे कि फॉलिकल्स को मैच्योर होने में मदद होगी और साथ में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी इसमें मदद करेंगे, जिसकी वजह से अंडोत्सर्ग होगा। अंडोत्सर्ग के बाद कॉर्पस लूटियम यानी कि पित्तपिंड बनता है, जो कि प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का उत्पादन रुक जाता है। आइए इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि FSH और LH उत्पन्न हो रहे हैं और साथ ही में एस्ट्रोजन भी फॉलिकल्स उत्पन्न करने लगेंगे, जिसकी वजह से जो एस्ट्रोजन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड पर ट्रिगर करेगा, जिससे कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होने लगेगा, जिसकी वजह से जो फॉलिकल्स है वो मैच्योर हो जाएंगे, मैच्योर ओसाइट बन जाएगा। ये मैच्योर ओसाइट अंडोत्सर्ग के लिए एकदम तैयार है। यहां पर ये अंडाणु को रिलीज कर देगा, उसको निकाल देगा। और बचा हुआ हिस्सा पित्तपिंड यानी कि कॉर्पस लूटियम में बदल जाएगा। इसके बारे में हमने इससे पिछली वीडियो में भी पढ़ा था। अब यहां पर पित्तपिंड कुछ चीजें उत्पन्न करेगा, जैसे कि प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन और इनहिबिन, जो कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के उत्पादन को रोक देगा। अब यहाँ पर पित्तपिंड जो प्रोजेस्ट्रॉन उत्पन्न कर रहा है, ये गर्भाशय अंतःस्थर और रक्तवाहिनियों को वापस बनाने में मदद करेगा, जिससे कि ये आर्तव चक्र फिर से चलता रहे। तो कुछ इस तरह से आर्तव चक्र होता है। आइए इसकी कुछ और महत्वपूर्ण बातों को समझते हैं। रजोदर्शन, प्रथम ऋतुस्राव रजोध्रम, जो कि यौवनारंभ में शुरू होता है। रजोनिवृत्ति, स्त्री में यह आर्तव चक्र 50 वर्ष की आयु के लगभग बंद हो जाता है। इस स्थिति को रजोनिवृत्ति कहा जाता है। तो ये दोनों शब्द आप सभी को याद रखने हैं और इसकी परिभाषा भी। इस वीडियो में हमने आर्तव चक्र के बारे में पढ़ा, जिसमें कि हमने इसके चरण, इसकी घटनाएं और अंडोत्सर्ग को समझा। और दोस्तों मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ कि आज हमने आपकी NCERT किताब के ये टॉपिक को ख़त्म कर लिया है। आप इनको ज़रूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम निषेचन और अंतरोपण को समझेंगे। धन्यवाद।
नमस्ते दोस्तों, आशा करती हूँ डीजे साथ के आज के एपिसोड में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। तो आज हमने कक्षा दसवीं की साइंस में जाना रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में। इसी प्रकार से कक्षा दसवीं के सोशल साइंस में हमने जाना संसाधन और विकास के बारे में। इसी प्रकार से कक्षा बारहवीं की केमिस्ट्री में हमने जाना ठोस अवस्था के बारे में। इसी प्रकार से कक्षा बारहवीं की बायोलॉजी में हमने जाना जीवों में जनन के बारे में। आइए अब हम देखते हैं कि हम कल क्या पढ़ेंगे। तो हम कल कक्षा दसवीं की इंग्लिश के चैप्टर पढ़ेंगे अ लेटर टू गॉड। इसी तरह कक्षा दसवीं की हिंदी में हम पढ़ेंगे नेताजी का चश्मा। इसी तरह से कक्षा बारहवीं की गणित में हम पढ़ेंगे संबंध और फलन। इसी तरह से कक्षा बारहवीं की फिजिक्स में हम पढ़ेंगे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। एक जरूरी सूचना इस एपिसोड का, जो अभी आपने देखा, इसका पुनः प्रसारण YouTube पे किया जाएगा इकोवेशन चैनल पर ठीक 3 बजे। तो यदि आप अपने दोस्तों के साथ ये एपिसोड शेयर करना चाहते हैं या इसे पुनः देखना चाहते हैं, तो YouTube पर DigiSath इकोवेशन सर्च करें, जिससे कि आप इस वीडियो तक पहुंच जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। झारखंड सरकार रोज आपके लिए शिक्षण सामग्री लाएगी, अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। यदि आपको कोई प्रश्न है तो कृपया इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करें 1800-572-8585 या हमें ईमेल करें। धन्यवाद।